राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा हंसते रहें, यही चाहती हूँ। मेरी भगवान से यही उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे हों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उसके लिए हम मोदक बनाना चाहते हैं। सभी लोग देखिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं मोदक बनाना सिखाती हूँ आपको। देखिए, मैं मोदक बनाने की विधि बताती हूँ आप सभी लोगों को, क्या क्या सामग्री चाहिए होगी हम लोगों को। यह है सारी सामग्री, मैं अब आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामग्री लगेगी यह मोदक बनाने के लिए। ये चाहिए कच्चा नारियल किसा हुआ, कच्चा नारियल ताज़ा, और ये गुड़, ये बादाम और काजू का मिश्रण पिसा हुआ। ये थोड़े से सजाने के लिए बॉल्स हैं, ऐसे ही है तो सजाने के लिए चाहिए। ये थोड़ी सी बादाम, ये घी और ये इलायची, इलायची पाउडर पिसा हुआ है, इलायची पाउडर। सामग्री में चावल का आटा, ये और ये खसखस और है, ये दो चीजें और ऐड करनी है अपन को। गो, ये कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी घी, आधा चम्मच घी। अब ये डाल रही हूँ एक चम्मच खसखस। अब इनको सबको हम चला लेंगे, गैस को चालू करूंगी, ये चला लेंगे इसमें। ये थोड़ी भुन जाए खसखस, फिर इसके बाद डालेंगे इसमें नारियल का बूरा। खसखस एक मिनट थोड़ी सी गुलाबी हो जाए, फिर इसमें डालते हैं नारियल का बूरा। ये किसा हुआ कच्चा नारियल है, इसको डालते हैं हम। ये डाल देते हैं नारियल, इसमें नारियल भून लीजिए अच्छे से। ये नारियल भून जाए, इसको नारियल को भूनते हैं। नारियल अच्छी तरह से भुन गया है, ये दोनों इसमें मिल गए हैं अच्छे, घी खसखस और नारियल। ये अच्छे गुलाबी हो गए, इसकी नमी हट गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये गुड़, इसमें डाल देते हैं गुड़। इसमें ये तीन चम्मच गुड़ लिया है मैंने स्वाद अनुसार, आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा ले लीजिए, थोड़ा सा मीठा करना हो तो। इसमें डाल देते हैं, अब इसको मेल्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए अच्छे से। थोड़ा गैस बंद कर दिया था, अब गैस को चालू करते हैं। गैस चालू कर दिया, थोड़ा मेल्ट हो जाए उसमें अच्छे से नारियल। ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं, तीनों चीज़ें। अब इसमें हम डालेंगे बादाम और काजू का मिश्रण, ये थोड़ा इसमें डाल दिया बादाम काजू, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसको ठंडा करके ये सारी चीज़ों को मिला लिया। अब हम इस प्लेट में निकाल देते हैं इन सबको, फिर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे, फिर हम दूसरी चीज की तैयारी करेंगे। ये इसको ये रख दिया है हमने, ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम डालते हैं डेढ़ कटोरी पानी कढ़ाई में। ये हमने डाल दिया डेढ़ कटोरी पानी। अब डालेंगे चावल का आटा, ये इसी कटोरी से नाप के डालते हैं चावल का आटा। ये देखिए, थोड़ा आटा बाद में डालेंगे, अब ये पानी थोड़ा गर्म हो जाए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाएगा तभी डालना है अपन को। ये पानी गर्म हो गया है, अब मैं डालूंगी इसमें चावल का आटा। ये देखिए, इसमें डाल दिया है मैंने एक कटोरी और ये आधा कटोरी चावल का आटा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, आँच को थोड़ा से लो कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिला के। चावल का आटा अच्छी तरह से मिल गया है, इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। गैस को कर देंगे बंद और हम इसको अब निकाल लेंगे चावल के आटे को। एक थाली में निकाल लेते हैं, देखिए थाली में निकाल लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें घी, थोड़ा सा घी डाल देंगे और थोड़ा सा थाली में भी घी डाल देंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे इस थाली में, चावल को आटे को मैंने निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसको मिलाना है, अच्छे से मिल जाएगा। थाली में डाल दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे।
थोड़ा ठंडा हो गया है तो हाथ से भी अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे, ऐसे आटे जैसा मिलाना है इसको अच्छे से मल के। ये देखिए बिल्कुल आटे जैसे सॉफ्ट हो जाएगा, उसको अच्छे से मिला लेंगे अपन तो आटे जैसे सॉफ्ट होने लगेगा वो। उसको ऐसे मिला के ये देखिए ये आटे जैसा मिल गया है, सारा आटे जैसे मिला लेंगे इसको। हमारा आटे जैसा गुन गया है, इसको हम रख देंगे एक साइड, ये इसको एक साइड रख देंगे ढक के। इसको ढक दिया और एक साइड रख देंगे अभी 2 मिनट के लिए, फिर हमारा वो बैटर देखते हैं। उसको ठंडा हो गया फिर उसको मिला के, ये हमारा बैटर ठंडा हो गया है। अब हम इसको मोदक के अंदर भरेंगे, इसमें अच्छे से मोदक के अंदर भर के, और फिर बताती हूँ मैं आपको कैसे भरना है। जब तक हम एक तवेले में इसमें पानी गर्म कर होने के लिए रख देंगे, ये पानी उबलने लगेगा, फिर अपन बनाते हैं मोदक को, बेल लेंगे अच्छे से। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है फिर हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, ये इसको गोल गोल बेल लेंगे। हमने बेल लिया था, अब हम इसका बैटर भरेंगे इसमें, ऐसे करके इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इसमें बैटर भर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा बैटर भर देंगे, ये इसमें भर दिया है हमने। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे अच्छे से, इसको इस तरीके से बंद कर दिया है। अब हम इसमें जैसे हम पे मोदक का सांचा नहीं है तो अपन हाथ से भी बना लेते हैं, नहीं तो मोदक के सांचे से बनते हैं। हाथ से किस तरह बनाए जाते हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ, हाथ से बनाना। ये देखिए ये फोग ले लिए एक, इससे हम इसको लाइनिंग कर देंगे, मोदक की शेप में इसको लाइन कर देंगे, मोदक जैसी लाइन पड़ जाएगी इसमें। उसी तरह से सांचे जैसी तो नहीं पड़ेगी लेकिन हाँ ठीक ठीक लगेगा, मोदक जैसा ही शेप आ जाएगा इसमें। ये देखिए ये हमारा मोदक जैसा बन गया है शेप। हमने ये मोदक सारे बना लिए हैं इस तरह से, हाथ से ही बना लिए हैं, इनको सांचे से नहीं बनाया है। कुछ इस तरीके से बनाए हैं, कुछ इस तरीके से बनाए हैं, कुछ बेल के बनाए हैं, कुछ ऐसे हाथ से जैसे अपन कचौड़ी में वो भरते हैं मसाला, उसी तरह भर लेंगे और बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ये इसको ऐसा कर लिया, फिर इसमें मसाला भर के, ये बगैर बेले बना रही हूँ मैं इसको, फिर इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, मोदक के शेप में ले आएंगे। ये देखिए इसमें पानी अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें लगाएंगे एक छन्नी ले लेते हैं, ये स्टील की छन्नी है, इसको हम अच्छे से तेल तेल नहीं घी घी लगाना है इसमें अच्छे से, ऐसे घी लगा लिए, मीठी चीज़ में घी अच्छा लगता है इसलिए इसको घी लगा के इस पर रख देंगे। और जो हमने मोदक बनाए हैं ना उन सारे मोदक को एक एक करके इसमें रख देंगे। ये देखिए मैं बतलाती हूँ, इन मोदकों को एक एक करके रख देते हैं इसमें अच्छी तरह, ये मोदक इसमें रख देती हूँ, एक एक करके सारे मोदक इसमें रख दूंगी और इनको अच्छी तरह से स्टीम होने तक पकाएंगे। ये सारे मोदकों में स्टीम लगा लेते हैं, फिर ये हमारे स्टीम हो चुके हैं मोदक। अब हम इनको निकाल लेंगे और इनको अच्छे से रख देंगे प्लेट में सजा के। देखिए अब मैं रखती हूँ इनको सारे मोदकों को तैयार करके सजा के। देखिए हम इस पर रखते हैं और इसको सजा देते हैं, मोदक को उठा उठा के एक एक मोदक को इस पर रखेंगे और अच्छे से सजा देंगे, फिर डेकोरेशन कर देंगे, डेकोरेशन कर देंगे मोदक का। ये देखिए अब मैं सजा के आपको बता दूँ। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देखते रहिए, मैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाती रहूंगी। मैंने मोदक बनाए वो जरूर बताइए कैसे लगे आप लोगों को, पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बतलाइए कैसे मोदक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे सभी को, मेरा नमस्ते और हैप्पी गणपति जी।